इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी बातों का एडिशनली, पहले कुछ बातें बता चुका हूँ, आपने ध्यान रखना है जब आपने कॉलेज और चॉइस फिलिंग करनी है सब्जेक्ट की। ये बात है कि वो मुद्दे जो मेन है, मुझे लग रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा है, ये एक है मेजर वर्सेस माइनर, टीजीटी वर्सेस पीजीटी, कंटेंट वर्सेस मेथडोलॉजी, कॉलेज वर्सेस सब्जेक्ट। इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले जो इसी अभी आपने करना है कि आपने मेजर सब्जेक्ट जो 3 साल पढ़ा है उसके लिए तो एलिजिबल हो 3 ईयर, लेकिन अगर माइनर सब्जेक्ट भी आपने 3 साल पढ़ा है, 3 साल पढ़ा है, तो आप हर हालत में माइनर सब्जेक्ट भी आपका मेजर ही बाद में बन जाएगा, तो उसी को माइनर सब्जेक्ट प्रेफर करना चाहिए। अब पहले इस पॉइंट, ये पॉइंट इससे डायरेक्ट रिलेटेड है कि अगर आप के पास 3 साल माइनर सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एसएसटी है, हिंदी है पढ़ा आपने, है ना, इलेक्टिव हिंदी है, तो इलेक्टिव हिंदी आप ये देखोगे कि हिंदी उस कॉलेज में अवेलेबल है। नॉर्मली ऐसी हम गवर्नमेंट कॉलेज में प्रेफर करते हैं, पर आपने देखना है सीट मैट्रिसेस जो है, पिछले वीडियो में डिस्कस करके आया हूँ, यहाँ भी बताया हुआ है, यहाँ पर ये सीट मैट्रिसेस है, यहाँ पर आपने जाना है, ये रहा ये रहा है ना, पिछले वीडियो में बात की हुई है, नो डाउट, ये रहा कॉलेज वाइज सीट मैट्रिसेस, इसको ओपन करना है, क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके पास ये यूनिवर्सिटी आ जाती है, यूनिवर्सिटी फिल करनी है और कॉलेज फिल करना है, जो भी कॉलेज आप देखना चाहते हो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है। तो अब वो उसमें क्या क्या देखना है, उस इन्फॉर्मेशन में आपने देखना है कि उस कॉलेज में ये आ गया, मान लीजिए ये इनोसेंट हार्ट्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन ग्रीन मॉडल टाउन जलंधर आ गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर दूसरे कॉलेज को भी आप प्रेफर कर रहे हो, तो माइनर सब्जेक्ट कौन से अवेलेबल है। अगर ये लाइन लंबी है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, लाइफ साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, पंजाबी है, साइंस है, सोशल साइंस है, तो लार्ज नंबर अवेलेबल हैं, यहाँ स्कोप ज़्यादा है, ऐसे कॉलेज को प्रेफर कर सकते हो। मेजर सब्जेक्ट आपके जो हैं वो आप अकेले मत देख के जाओ, मैं कह रहा हूँ इस वीडियो का मतलब है कि आप माइनर सब्जेक्ट भी देख के जाओ। अगर किसी कॉलेज में वो सब्जेक्ट नहीं है जो आपने 3 साल पढ़ा है और माइनर ले रहे हो, तो वो आप वहां जाके मांग रहे हो तो नहीं मिल रहा, इट मींस आप रॉन्ग कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो। तो ये होगी मेजर वर्सेस माइनर, मतलब मेजर को तो ध्यान में रखना, यूनिवर्सिटी नहीं है, 3 साल का क्राइटेरिया है, लेकिन आपने ख्याल करना है कि मैं 3 साल वाला भी जो सब्जेक्ट वही चूज करूं, माइनर जो है जो जिस कॉलेज में अवेलेबल है। तो ये अब वहां बनती है कि हो सकता है वो गवर्नमेंट कॉलेज में हो जहां 40,000 लग रहे हैं, है ना, 50,000 लग रहे हैं, ओके, जितनी भी फीस है, और इसमें जो है प्राइवेट कॉलेज में इससे दुगने लग रहे हैं, है ना, 80 लग रहे हैं, 90 लग रहे हैं, 1 लाख लग रहे हैं, जितने भी लग रहे हैं। तो आपने तब वो सब्जेक्ट प्रेफर करना है या कॉलेज प्रेफर करना है, ये आपका डिलेमा रहेगा। नॉर्मली ये सुजेशन है कि आपको सब्जेक्ट प्रेफर करना चाहिए, कॉलेज नहीं, क्योंकि बीएड करते एकदम बाद आप एलिजिबल हो जाओ, ये बात ज़रूरी है। दूसरी बात है टीजीटी वर्सेस पीजीटी, आप 3 साल पढ़े हुए हैं लेकिन आप टीजीटी के लिए भी एलिजिबल बन सकते हो, फॉर एग्जांपल आपने इकोनॉमिक्स और जहाँ साइंस वाली बड़ी एग्जाम्पल आ रही है ना, आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ा हुआ है, मैथ्स पढ़ा हुआ है, अभी एक मैडम थे वो कह रहे थे कि मैंने मैथ नहीं रखना, मैंने फिजिकल साइंस और साइंस रखना है, अगर आपका टारगेट ऑलरेडी आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप पीजीटी के लिए फाइट, क्योंकि पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट कम होती है, इसके लिए वीडियो देख सकते हो अपने सब्जेक्ट की, अगर सब्जेक्ट की कम पोस्ट निकली है, जैसे फिजिक्स की पूछ रहे थे, फिजिकल साइंस की उसकी पोस्ट नहीं पीछे निकली, तो आप मैथ्स से अंदाज़ा लगा सकते हो आपकी एलिजिबिलिटी और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी ज़्यादा हो सकती हैं। तो पीजी की हुई है, पीजी को प्रेफर कर सकते हो, सिलेक्शन टेस्ट के लिए फाइट करने के लिए तैयार हो, तो आप पीजीटी को प्रेफर कीजिए। तो वो आपको देखना पड़ेगा फिर उस कॉलेज में है कि नहीं है। पीजीटी के लिए सारे कॉलेज में, फॉर एग्जांपल फिजिकल साइंस है सभी कॉलेज में नहीं है, लाइफ साइंस सभी कॉलेज में नहीं है, लेकिन साइंस लॉ नॉर्मली हर कॉलेज में है
है ना। सोशल साइंस सभी कॉलेज में है लेकिन पॉलिटिकल साइंस सभी कॉलेज में नहीं होगी, हिस्ट्री सभी कॉलेज में नहीं होगी, इकोनॉमिक्स मोस्टली कॉलेज में मिल जाती है। तो आपको खुद उस कॉलेज को चूज करना है और देखना है। एक और बात, तो ये आपने TGT का ये फायदा है कि नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा निकलती हैं, प्रेफर कीजिए TGT के लिए। और TGT आपने 10th क्लास तक टीच करना होता है। इसमें नॉर्मल सब्जेक्ट जो आते हैं जैसे सोशल साइंस इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, 2 सोशल साइंस पढ़ी है तब भी लीजिए। और अगर आप, लेकिन ये आपकी प्रेफरेंस है कि आप एडिशनल करके एलिजिबल बन जाओगे पंजाबी यूनिवर्सिटी में, पटियाला यूनिवर्सिटी में, ये बात डिफरेंट है। तो अगर साइंस है, 2 साइंसेस हैं तो साइंस को प्रेफर कीजिए। अगर MSc की हुई है तो आप नेचुरली है कि स्पेशलाइजेशन PG को प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा हर कॉलेज में इंग्लिश हिंदी मैथ्स मिल जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में डिस्कस किया हमने, वहाँ हिंदी अवेलेबल नहीं है। दैट इज़ वाई आपने जो प्रेफर किए हैं कॉलेज उसमें देखना है और फिर आगे चलना है। लास्ट ऑप्शन है हमारी कंटेंट वर्सेस मेथड, के कई लोग इसलिए डर रहे हैं कि मैंने जी अब मेरे को हिंदी से डर लगता है, है ना, मान लीजिए मेरे को मैथ से डर लगता है और मैं मैथ नहीं कर सकती BEd में, मैं और नहीं XYZ ऐसे करना चाहती। ये BEd है, ये आपकी हो गई BA जहाँ ग्रेजुएशन, ओके। तो यहाँ मैथ्स आपने पढ़ा हुआ है तो यहाँ मैथ नहीं पढ़ना, यहाँ मैथ की टीचिंग को पढ़ना है, कैसे मैथ को टीच करना है। मतलब सिंपल आपने मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ना है, मेथड्स को, मैथ को पढ़ाना कैसे है, मैथ्स को इंडक्टिव मेथड से, डिडक्टिव मेथड से, टेक्स्ट बुक मेथड से, प्रोजेक्ट मेथड से, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से, ऐसे ऑडियो विजुअल कैसे एड्स यूज करनी है। तो यहाँ पर अपनी घबराहट को चेंज कर लीजिए। हिंदी है तो आप हिंदी नहीं टीच करोगे, आप हिंदी के मेथड्स को टीच करोगे, SEM 1 में, SEM 2 के। आपकी डेमोन्स्ट्रेशन स्किल होगी वो हिंदी की मेथड्स की होगी, आपके यहाँ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे आपको आना पड़ेगा सामने। तो दैट इज़ वाई इसको बात को समझ लीजिए। अब आप मेथड्स की तरफ जा रहे हो, ग्रेजुएशन में कंटेंट था, यहाँ कंटेंट था कि मैथ्स के सम सॉल्व कर रहे थे, है ना, आप हिंदी की ग्रामर है, हिंदी की कहानियां हैं, हिंदी की पोएट्री और जो जो नावल हैं, एकांकी है, वो पढ़ रहे थे। अब आप उसको पढ़ाना कैसे है उसकी तरफ जा रहे हो। तो इन बातों का ध्यान रखना है, कोई और बात आती हो एडिशनली मैं बता दूंगा। थैंक यू।